और ये बच्चे लाइनअप हैं, क्यों हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। लेकिन ये बच्चे टचिंग कर रहे हैं, कितनी बढ़िया, देखिए। और देवाक्षी स्कीपिंग करती हुई बढ़िया, ये उल्टे नहीं कर रही सताक्षी, बहुत ही सुंदर। हमारे बीच में आज प्रयागराज के देवांशु जयसवाल और कौन हूँ ये सब तुमको पता चल जाएगा, क्यों हूँ ये थोड़ा सा वो तुम लोग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में भी इनका मेडल, और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और भी दो मैचेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए, और इस समय आर्मी में जेसीओ पद पे कार्यरत। मैं ग्राउंड पे बच्चों से मिलवाता रहता हूं, क्योंकि बच्चे इसके प्रति प्रेरित हों कि गेम से सिर्फ फिटनेस ही नहीं, हम और भी जगहों पर आगे जा सकते हैं, और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इनके दो शब्द भी बहुत आवश्यक हैं। और जो रेड्डी में करते थे तो अखिल भी था उस समय हमारे साथ, तो हम मैंने देखा अरे यार अच्छा ये है क्या, तो और मतलब लगा गया है ये है, ये ऐसी बॉक्सिंग थी जो मैं अभी तक नहीं खेल पाया ना, मुझे अब तो चलो कोच बन गया हूँ नहीं खेल पाया, मतलब एक मेरे दिमाग में था कि हाँ एक विक्रम भैया थे और एक भैया थे, क्योंकि हमारे पास कैसे हम करें, हमको सही डायरेक्शन में करना चाहिए। अब जैसे आप बॉक्सिंग में भाग ही रहे हो, मान लो बहुत अच्छा दौड़ते हो, तो क्या बॉक्सिंग में अच्छा कर दोगे? आपने कुछ तो जो खेले होंगे उनको पता होगा, हाँ सही कह रहा हूँ मैं, कि सिर्फ रनिंग करने से काम चल जाएगा कि रिंग में रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन रनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे किसके लिए अच्छा है, V2 Max, चलो ये सब तुम्हारे मतलब की वो नहीं है, हार्ट जो पम्प करता है ना उसके लिए इंडोरेंस बोलते होंगे, स्टेमिना बोलते हैं बहुत लोग। जानिंग में हमें क्या करना है, बॉक्सिंग। मैं तुमको बॉक्सिंग नहीं सिखा रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ क्यों चीज़ किस लिए ज़रूरी है, सही डायरेक्शन में करने से मेहनत से इम्प्रूव होता है। एक्सीलेंट कोई होगा ना, जैसे कि कौन होगा बताओ, कौन है एक्सीलेंट, तो उनसे पूछना हमेशा क्वेश्चन किससे करना, एक्सीलेंट से। अगर तुम मुझसे मैथ का सवाल पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है मैं 2+2 बता दूं लेकिन मैं न्यूमेरिकल नहीं बता पाऊंगा, A² + B² 2AB ये सब नहीं पता मुझे, मैं अगर पता भी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर, लेकिन तुम मुझे बॉक्सिंग से पूछोगे बता दूंगा, मैं सट्ट से बता दूंगा, मेरी बात समझ में आती ये है। अच्छा, अखिल सीनियर खिलाड़ी प्रयागराज बच्चों को प्रेरित करते हुए मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, गेम के प्रति बॉक्सिंग में करोगे ये मत सोचना कि बॉक्सिंग सिर्फ एक इंडिया प्लेयर या इंडिया खिलाड़ी या फिर आकाश त्रिपाठी छोटा सा था आया था यहाँ पे, सर ने बॉक्सिंग सिखाया था, नीतीश मामा थे, नीतीश विष्णु भगवान बॉक्सिंग एकेडमी में मुक्केबाजी सीखी, सीखना शुरू किया, राष्ट्रीय स्तर पर खेला मैं था, और आज बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, तो हमको बुरा लगे कि यार सब मार के सब हंसते हैं, हम मार खाते हैं, और सबसे अच्छी बात किस समय एक्स्ट्रा सब प्रैक्टिस कराएं, उसके बाद सेना में कार्यरत हैं, हमेशा देखना मेरे अंदर अच्छाई क्या है बुराई क्या, दोनों खिलाड़ियों से बच्चों को मिलाते रहने से बच्चे प्रोग्रेसिव होते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि चलो उनका प्रोग्रेसिव की लाइन बढ़ाते रहें, कि यहाँ मैं खा लिया जाकर कुछ भी खा लिया, पानी पी लिया, समोसा खा लिया, डाइट अच्छी लेना है, मेहनत करना है, और सीनियर को इज्जत देना, सक्सेस तभी हो सकता है जब तक सीनियर को सक्सेस की सही लाइन, सीनियर की इज्जत और डिसिप्लिन, डाइट सबसे इंपॉर्टेंट, डाइट है, अगर डाइट लोगे हर फील्ड में आप अच्छा करोगे, चाहे पढ़ाई हो चाहे जिसमें हो, डाइट जो करना है ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, एक्स्ट्रा करने वाला ही हमेशा आगे बढ़ता है, थोड़ा ज्यादा करने वाला ही आगे बढ़ता है, ये आकाश की लाइन। आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, मैं आप लोगों का थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट जो लॉस किया मैंने प्रैक्टिस का,
लेकिन कितने अच्छे लोगों से आपको मिलवाया, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज, राष्ट्रीय स्तर मुक्केबाज, राष्ट्रीय स्तर मुक्केबाज। आपको इन लोगों से इसलिए मिलवाता हूँ क्योंकि आप इन लोगों से मिल के, इनको देख के, इनको सुन के कुछ अच्छी चीज़ें सीखो कि कितनी सेक्रीफाइस करके ये आज किस जगह पे हैं और कैसे हमारे सामने है ना। सिर्फ मेरा एक मोटिव है कि आप इन लोगों से कुछ अच्छी चीज़ और डिसिप्लिन। थैंक यू। माँ बाप को शुरू से अच्छे नहीं लगते, जब बड़े हो जाते हैं तो शादी तो हो जाती है लेकिन बीवी को नहीं अच्छे लगते। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई तुमसे कहे यार तुम लोग इतने अपने तुम्हारी शादी कैसे होगी, मतलब बहुत लोग बहुत बहुत वर्ड बोले, बहुत से ज़्यादा बोलेंगे। हो सकता है तुम उसमें तंग आके तुम बॉक्सिंग अभी कर रहे हो, छोड़ने का मन कर जाए तुम्हें यार नहीं कर, लेकिन अगर तुम उस दिन तक नहीं छोड़े तो पक्का कुछ ना कुछ लड़कियों के। बाकी आप लोग जो स्केपिंग कर रहे थे, आपने अपना जो स्पेशलिस्ट वो आपने जो बैक का किया वो बहुत अच्छा था, और इसने जो किया अपने लेवल से बहुत कुछ। नाम मैं तुम्हारा कसम से बता रहा हूँ नहीं याद कर पाऊँगा, वहीं रहो वहीं रहो। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब जैसे भैया ने बताया अंकुश के हाँ शैडो बॉक्सिंग के बारे में दीवांशु को प्रेरित करते हुए सोच रहे हो और सब, मतलब सोते समय भी हाथ चल रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कितने के चलते हैं सोते समय किसी के हाथ में चलते हैं, तो ये तो मतलब करोगे ना। मैं कभी कभी लगता है मम्मी लोग मुझे बड़बड़ा के आ रहा है, क्या बोलते हैं बहुत लोग अलग अलग बोलर का वो आ रहा है जो भी किया, लेकिन प्रैक्टिस से ज़्यादा पाए है ना, तो जो प्रैक्टिस की पाए ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब मैं चाहूँगा इसी उसमें कि विवेक आए और देवांशु भैया को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे कि अपने फौज में प्रयागराज की एक दिन टी शर्ट ऐसे चौड़े से पहनेंगे निकलेगा और वहाँ प्रयागराज का बिल्ला दिखाई देगा तो मज़ा आएगा। ओके थैंक यू।